गिटार विश्व का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह मूलतः सितार से विकसित हुआ है। यह हल्की लकड़ी का बना होता है। इसका निचला और ऊपरी सिरा सपाट होता है। गिटार में 6 तार होते हैं। गिटार के तारों को उंगली से छेड़खानी करने पर उसमें से ध्वनि निकलती है। इसका सबसे प्राचीन रूप स्पेनी है, जिसमें 6 जोड़े तार होते थे, यानी 12 तार। गिटार स्पेन से 17वीं सदी में पूरे यूरोप में फैला। 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने गिटार में थोड़ा मॉडिफाई किया। अंग्रेज़ों ने गिटार का निचला हिस्सा नाशपाती के आकार का कर दिया और इसमें 6 से 14 तार कर दिए। गिटार का तीसरा बड़ा बदलाव इसमें हवाईयन गिटार के रूप में हुआ। यह आज भी अमेरिकी लोकप्रिय गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर गिटार को 2 प्रकार का माना जाता है, अकोस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार। 1936 के आसपास से लोक गीतों के साथ विद्युत गिटार का प्रयोग होने लगा था। विद्युत गिटार से स्वर को विद्युत विस्तार के माध्यम से चाहे जितना भी ऊंचा खींचा जा सकता है। गिटार का प्रयोग मुख्यतः अकेले गायन के लिए होता है, पर अब यह वृंद गायन में भी प्रयोग होता है। गिटार कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है। गिटार बजाने का प्रशिक्षण आपके पूरे व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। कई शोध के मुताबिक यह बात साबित हो चुकी है कि गिटार के तार से दिमाग के तार अथवा नस सक्रिय होते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में एक शख्स ने गिटार बजाकर अपने मस्तिष्क की सर्जरी कराई थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तनाव और घबराहट के दौरान बजाने से इसमें राहत मिलती है। एक अध्ययन के अनुसार आधे घंटे तक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। हर दिन आधे घंटे गिटार या कोई अन्य वाद्य यंत्र बजाने से याददाश्त बेहतर होती है। घर या ऑफिस में काम करते हुए थकान या बोरियत महसूस हो तो थोड़ी देर कोई वाद्य यंत्र की धुन सुने। शोधकर्ताओं के अनुसार ध्वनि से दिमाग में डोपामाइन केमिकल का निर्माण होता है, जो खुशियों और भावनाओं में इजाफा करता है। अमेरिका के कंसास शहर में 1721 गिटार वादक एक साथ उपस्थित होकर विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ये थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार के विषय में कुछ जानकारी। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।